नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग परफॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो आज हम आपको 7 सितंबर के करंट अफेयर प्रेजेंट करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बस जो भी एक्स्ट्रा डिटेल्स हो पाएगी वो भी मैं आपको प्रेजेंट करूंगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि डिवोर्स एंड डेमोक्रेसी अ हिस्ट्री ऑफ पर्सनल लॉ इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिवोर्स एंड डेमोक्रेसी किसकी किताब है, तो वो हो जाएगी सौम्या सक्सेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, सौम्या सक्सेना की किताब क्या हो जाएगी, डिवोर्स एंड डेमोक्रेसी। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी इज ऑब्जर्व ऑन, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस जो हम सेलिब्रेट करते हैं वो हम सेलिब्रेट करते हैं 5 सितंबर को, प्लस टीचर्स डे के रूप में भी 5 सितंबर को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। प्लस मैंने आपको बताया था कि हमारी गिविंग इंडेक्स यानी चैरिटी इंडेक्स हमारी पूछी जाएगी तो वो कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी 14, जिसमें इंडोनेशिया पहले स्थान पे है। तो आपको अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएं तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है आपको। किस केंद्रीय मंत्री ने अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर और गान का शुभारंभ किया है। विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च द मैस्कट एंड द एंथम फॉर द 36 नेशनल गेम्स इन अहमदाबाद। तो देखिए 36वें नेशनल गेम्स कहां पे होने वाले हैं, अहमदाबाद। किसके द्वारा किया गया इसका इनॉग्रेशन, तो अमित शाह जी के द्वारा किया गया था। और पूछा जाएगा सबसे पहले कि मैस्कट क्या है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैस्कट आपको पूछा जाता है, तो अगर मैस्कट पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सावज। ध्यान रखिएगा सावज, जिसको श्रावक या शेर भी कहा जाता है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। सावज नाम दिया गया है जिसको श्रावक या शेर भी कहा जाता है। और अगर पूछा जाएगा एंथम क्या है, तो जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया, ध्यान रखिएगा जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया करके जो है इसका थीम है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थीम सॉन्ग अगर पूछा जाएगा, बेसिकली एक भारत श्रेष्ठ भारत को ध्यान में रख करके ये बनाया गया है आपका, जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया, और इसको अमित शाह जी ने इनॉग्रेट किया है। यानी ये जो 36वां नेशनल गेम्स होगा वो कहाँ पे, अहमदाबाद में, किसके द्वारा, तो अमित शाह जी के द्वारा किया जाएगा। प्लस जो है कि अगर पूछा जाएगा पहले कब हुए थे, तो 1985 में हुए थे दिल्ली में, पूछा जा सकता है आपके। तो पहले ऑफिशियल कब हुए थे, तो 1985 दिल्ली में हुए थे पहले, अगर आपको राष्ट्रीय खेल पूछे जाते हैं, नेशनल गेम्स पूछे जाते हैं। अनुराग ठाकुर जी के पास मैंने बताया था कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, ध्यान रखिएगा, प्लस ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री भी किसके पास है, इन्हीं के पास हो जाएगी। पीयूष गोयल जी के पास पूछा जाएगा तो इनके पास टेक्सटाइल मिनिस्ट्री दे दी गई है। जितेंद्र सिंह जी के पास पूछा जाएगा तो अर्थ एंड साइंसेज मिनिस्ट्री मैंने आपको बता रखा है, जबकि अमित शाह जी के पास कोऑपरेटिव, ध्यान रखिएगा अगर पूछा जाएगा कि कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री किसके पास हो जाएगी, तो वो इन्हीं के पास हो जाएगी, प्लस हमारे होम मिनिस्टर भी हैं अमित शाह जी। भरतल गांव राज्य का पहला गांव बन गया जहां हर घर में आरओ का पानी है। भरतौल किस जिले का गांव है, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भरतौल विलेज हैज बिकम द फर्स्ट विलेज इन द स्टेट टू हैव आरओ वाटर इन एवरी हाउसहोल्ड, भरतौल इज विलेज ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये क्वेश्चन आपको 100% बन सकता है, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है, जैसे मैंने आपको बताया था 24/7, ठीक है, सातों दिन 24 घंटे प्योर वाटर वाला नल टैप के थ्रू आने वाला कौन सा शहर हो जाएगा जहां पे पानी प्रोवाइड कराया जाएगा, तो वो हो जाएगा पूरी, वो भी पता था। 100% मैंने आपको बताया था कि वाटर टैप्स, ठीक है, प्रोवाइड कराने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, गोवा, ये क्वेश्चन बनाया था, बताया था आपको। पूछा जाएगा वाटर प्लस पहली सिटी कौन सी हो जाएगी, तो वो भी मैंने आपको बताया था इंदौर, ठीक है, ये तीन क्वेश्चन वाटर वाले मैंने बताए थे। प्लस आपको यहाँ पे पूछा गया कि आरओ वाटर प्रोवाइड कराने वाला एवरी हाउसहोल्ड भरतौल जो विलेज है वो कहाँ पे पड़ता है, तो सबसे पहले ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के बरेली में पड़ता है ये विलेज। तो आपको उत्तर प्रदेश भी दे सकता है, बरेली भी दे सकता है, प्लस भरतौल पे क्वेश्चन ऐसे भी बना सकता है कि किस जो है कि गांव में 100% आरओ का पानी प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो वो हो जाएगा आपका भरतौल। तो ऐसे पूछा जा सकता है आपको, ध्यान रखिएगा। वहीं अगर पूछा जाएगा कि वाटर पावर मिनिस्ट्री हमारी किसके पास है, जल शक्ति मंत्रालय, तो वो गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास हो जाएगी, नोट डाउन कर लीजिएगा, पूछे जा सकते हैं। और वाटर पावर मिनिस्ट्री की तरफ से सुजलाम सुफलाम प्रोजेक्ट भी चलाया गया था, प्लस जीरो कैंपेन भी चलाया गया था जो वाटर से रिलेटेड है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। प्लस मैंने आपको बताया था कि एक्वेरियम पूछा जाएगा, वाटर डेटा सेंटर कहाँ पे शुरू किया गया, बैंगलोर में शुरू किया गया, वाटर टैक्सी कहाँ पे शुरू करी गई, महाराष्ट्र में शुरू करी गई, प्लस अंडर वाटर मेट्रो पूछा जाएगा, वेस्ट बंगाल में शुरू किया गया, वाटर अगर आपको पूछा जाएगा प्रोजेक्ट कहाँ पे शुरू किया गया था, तो वो शुरू किया गया था कोची में शुरू किया गया था। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संसद टीवी के नए सीईओ के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, तो ध्यान रखिएगा राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी को मिलाकर के संसद टीवी किया गया, और संसद टीवी के पहले जो सीईओ थे वो रवि कपूर थे, लेकिन अब किसको बना दिया गया है, तो उत्पल कुमार सिंह को बनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको पूछा जा सकता है कि संसद टीवी के सीईओ कौन हो जाएंगे, तो उत्पल कुमार सिंह हो जाएंगे। प्लस उसके अलावा मैंने आपको बताया था
नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अगर पूछा जाएगा डायरेक्टर कौन है तो वो परेश रावल हो जाएंगे, सबको पता है, काफ़ी फेमस एक्टर हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको पूछा जाएगा नेशनल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन, इसके कौन हो जाएंगे चेयरमैन पूछा जाएगा तो प्रसून जोशी हो जाएंगे, अगर चेयरमैन पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे प्रसून जोशी हो जाएंगे। जबकि अगर CEO पूछा जाएगा तो वो भी मैंने आपको बता रखा है रविंदर भाकर हो जाएंगे, ये भी आपको पूछा जा सकता है रविंदर भाकर कौन हो जाएंगे CEO। प्लस अगर आपको पूछा जाएगा फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया FTII के कौन हो जाएंगे तो वो हो जाएंगे शेखर कपूर। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ये टर्म्स आपको पूछे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर उत्पल कुमार सिंह जो कि सेंसर टीवी के CEO बनाए गए हैं। हाल ही में प्रस्तावित डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख के हैनले में किस राज्य किस हिस्से के रूप में स्थापित किया जाएगा। तो देखिए पहले डार्क स्काई रिजर्व जो बनाया जाएगा वो कहाँ बनाया जाएगा, लद्दाख में बनाया जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा, लगातार 3 दिन से बन जा रहा है। और कहाँ पे बनाया जाएगा, किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, तो वो हो जाएगा लाचीपोरा। ध्यान रखिएगा कहाँ पे, तो लाचीपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बनाया जाएगा, उसी के हिस्से के रूप में इसको स्थित किया जाएगा, इसको लोकेट किया जाएगा। तो पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। गैस्ट्रिक मिलान जो आपका LNG जो समिट होने वाला इटली के मिलान में, उसका नेतृत्व तो कौन कर रहा है, तो देखिए उसका नेतृत्व तो कर रहे हैं हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर। इसमें से पेट्रोलियम मिनिस्टर हमारे कौन है, तो हरदीप सिंह पुरी जी, और इनके पास अर्बन मिनिस्ट्री भी है। ध्यान रखिएगा अर्बन मिनिस्ट्री भी किसके पास हो जाएगा, तो वो इन्हीं के पास हो जाएगा, और इन्हीं यही जो है उसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। प्लस एस जयशंकर मैंने आपको बताया था फॉरेन मिनिस्टर है, पीयूष गोयल जी के पास टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, और नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं 14वें नंबर के, पूछा जा सकता है। कैपिटल पूछा जाएगा तो रोम हो जाएगा, इटली में हो रहा है। करेंसी पूछा जाएगा यूरो, मारियो द्रागी पूछा जाएगा तो प्राइम मिनिस्टर है अभी, पूछा जाएगा आपको, ठीक है। उसके अलावा सर्जियो मैट्रेला जो हो जाएंगे वो प्रेसिडेंट हो जाएंगे इटली के, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। और इटली ने इस बार यूरो कप भी जीता था, अगर पूछा जाएगा यूरो कप किसने जीता तो इटली ने, और अगर पूछा जाएगा आपको कोपा कप किसने जीता था तो वो अर्जेंटीना ने जीता था। ये दोनों फुटबॉल इवेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हरदीप सिंह पुरी। सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के दिल्ली में ऐतिहासिक राजपथ सेंटर विस्टा लॉन का नाम बदलने का फैसला किया, इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, कर्तव्य पथ कर दिया गया। सबको पता होगा न्यूज में राजपथ का नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया है, कर्तव्य पथ कर दिया गया। ये भी रिसेंट का क्वेश्चन है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ली स्ट्रेंस को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया, तो देखिए ली स्ट्रेंस बेसिकली ऋषि सुनक को 20,000 वोटों से हरा करके यूनाइटेड किंगडम की नई PM बनी है। तो पूछा जा सकता है कि ब्रिटेन की नई PM कौन है, तो ली स्ट्रेंस हो जाएंगी, ठीक है। ध्यान अच्छा खैर यहाँ पे देखिए दो दो बार दिख दिया गया है, इसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा भाई, नीदरलैंड का PM पूछा जाएगा तो मार्क रूट हो जाएंगे, ठीक है, और न्यूजीलैंड का पूछा जाएगा तो जेसिंडा अर्देन हो जाएंगे अगर पूछा जाता है PM यहाँ के तो। और ली स्ट्रेंस कहाँ की हो जाएंगी, UK ब्रिटेन यानी इंग्लैंड की नई PM हो जाएंगी। स्मार्ट सॉल्यूशन चैलेंज इंक्लूसिव सिटी अवार्ड 2022 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, जितेंद्र सिंह या फिर हरदीप सिंह पुरी। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, बढ़िया क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं आप इसका सही आंसर भी देंगे। प्लस एक्स्ट्रा डिटेल्स में आप सारे जो मिनिस्टर्स दिख रहे हैं इनके मिनिस्ट्री के बारे में भी लिख सकते हैं, और इनके बारे में जो भी डिटेल आपको लगती है वैल्यूबल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, सेशन अच्छा लगा होगा तो यही कहूंगा चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेगा, चैनल पर नया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा। प्लस अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। प्लस अगर आपको अकेडमी पे फ्री क्लासेस देखनी है, पिट क्लासेस देखनी है, तो अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। और प्लस टेस्ट सीरीज के प्राइसेस भी 179 कर दिए गए हैं, तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। और SSC सब्सक्रिप्शन है, किसी भी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप vimlesh@14 कोड यूज करके वहां पे आप डिस्काउंट्स भी पा सकते हैं, और बैच कोर्सेज का फायदा उठा सकते हैं, SSC नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस वहां पे टेस्ट सीरीज का फायदा भी उठा सकते हैं। तो आपको अगर मन करता है अनअकैडमी ज्वाइन करने का तो बिल्कुल अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं कोड यूज करके vimlesh@14। बाकी तब तक अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम आपको अगले सेशन में किसी और वीडियो के साथ, बाय बाय।